आज दंगल का वो डायलॉग याद आता है कि मारी छोरिया छोरों से कम है क्या, हमारे देश की महिलाएं किसी से कम है क्या, ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चला रही, सही बात है ना जी। पति का कहीं कुछ और अफेयर था शायद, अच्छा, इसलिए उन्हें काफी किचकिच हो गई तो छोड़ दिया उन्होंने। क्या पड़ता है, कई अंकल लोग, कई पुलिस वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, और रिक्शे वाले भी मेरा सपोर्ट करते हैं, और कई लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं किस तरह के उल्टे कि सीधे? औरत होके चला रही है, दिल्ली बम्बई हो गया है अब तो, और इस तरह के कुछ भी, पर मैं ध्यान नहीं देती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर की सड़कों पर ई रिक्शा पर एक महिला ड्राइवर को चलते हुए जिस तरह से एक सनसनी बनी हुई है, एक खबर बनी हुई कि आखिर एक महिला किस तरह से जौनपुर की सड़कों पर ई रिक्शा लेकर चल रही है, और लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आखिर क्या परिस्थिति रही होगी। हमारे साथ गायत्री जी हैं। गायत्री जी, आप जौनपुर की सड़कों पर ई रिक्शा लेकर चल रही हैं, और कब से चल रही, क्या परिस्थिति बनी? मेरे को करीब 15 दिन हो गया है। हाँ, 15 दिन से चल रही हैं। हाँ, एब्रॉक्स 15 दिन हो गया चलते हाँ, हुए। हाँ, हाँ। मतलब ऐसा क्या परिस्थिति आई कि आपको ई रिक्शा चलाना पड़ा? सर, मेरे पति ने मेरे को छोड़ दिया है, और अब मुझे मेरी बेटी को पढ़ाने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए, घर का खर्चे पूरे करने के लिए ई रिक्शा चलाना पड़ा। ई रिक्शा चला रही हैं तो जहाँ एक तरफ देखती होंगी कि महिलाएं नहीं ई रिक्शा चलाती हैं, तो फिर आपको किस तरह से लगता है कि हम एक महिला होकर ई रिक्शा चला रहे हैं? थोड़ा तो अजीब लगता है, क्योंकि सब काफ़ी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, अच्छे बुरे दोनों प्रकार के, तो थोड़ा अजीब लगता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अच्छा। किस तरह के कमेंट आते हैं? कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, सल्यूट करते हैं, कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छा काम करना चाहिए, ईमानदारी से बेटा अच्छा काम कर रही हो, इस तरह से। कई अंकल लोग, कई पुलिस वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, और रिक्शे वाले भी मेरा सपोर्ट करते हैं, और कई लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं किस तरह के उल्टे कि सीधे? औरत होके चला रही है, दिल्ली बम्बई हो गया है अब तो, और इस तरह के कुछ भी, पर मैं ध्यान नहीं देती, इग्नोर करती हुई आगे बढ़ जाती हूँ। आप कोई दूसरा भी काम चुन सकती थी, तो ई रिक्शा को ही क्यों चुना है? इसलिए क्योंकि बाकी नौकरी करने में 7,000-8,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, और दिन भर काम करवाते हैं, सैलरी इंक्रीमेंट होता ही नहीं है लगभग। मैंने करा है जॉब, मॉल में भी करा है, होंडा के शोरूम पे भी करा है, कंप्यूटर क्लास की है मैंने, सब किया है, पर कुल मिलाकर के फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, तो उससे मुझको बेटर ये लगा। आप कहाँ की रहने वाली हैं और जौनपुर कैसे आई हैं? मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ, पढ़ाई मेरी भोपाल में हुई है। अच्छा। हाँ, और जौनपुर में मेरी बहन और जीजा जी रहते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी को पढ़ने के लिए भेजा था। कब भेजी थी बेटी को पढ़ने के लिए? बेटी को 1 साल हो गया। 1 साल हो गया जी। उसको पथरी है। अच्छा जी। तो उसको टेटेनिक अटैक आया था और काफी सीरियस हो गई थी वो, इस चलते मेरे को यहाँ आना पड़ा, और फिर तब से फिर मैंने ये सोचा कि ये यही रहूँगी, और मेरे जीजा जी ने बोला कि रिक्शा चलाएं, रिक्शा चलाने में ज़्यादा ठीक रहेगा, अपना काम रहेगा, किसी का दबाव, किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा। जहाँ एक तरफ भारत में महिलाओं को इस तरह से देखा जाता है कि महिलाएं ही रिक्शा चला रही, आप क्या सोचती हैं इन सब बारे में? मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं वो काम कर रही हूँ जो लोग हिचकते हैं, डरते हैं करने में, मेरे को देख करके और लेडीज़ें मेरे से प्रेरित होकर के चलाएंगी, और काम करने में कोई भी बुराई नहीं है, गलत काम करने में बुराई होती है, काम करने में कोई बुराई नहीं। लोग तो कहते हैं ये महिला होकर क्या कर रही है, क्यों चला रही है, और कोई काम धंधा नहीं है। महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, पहली बात तो महिलाएं क्या नहीं कर रही हैं, एरोप्लेन नहीं उड़ा रही हैं, कि डॉक्टर नहीं है, कि इंजीनियर नहीं है, सारे फील्ड में आपको महिलाएँ मिलेंगी, तो फिर रिक्शा क्यों? और सिर्फ ये जौनपुर की बात है, बाकी लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे सब जगह औरतें चला रही हैं, तो इसमें तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है, ठीक है। पति से क्या कुछ हुआ था कि आपको आपकी बेटी को छोड़ना पड़ा, आपकी बेटी को छोड़ दिया? पति का कहीं कुछ और अफेयर था शायद। अच्छा। इसलिए उन्हें काफ़ी किचकिच हो गई तो छोड़ दिया उन्होंने। क्या प्रताड़ित भी करते थे? नहीं, प्रताड़ित नहीं। प्रताड़ित नहीं। नहीं। कितने साल की बात हुई? 2 साल।
दो साल हुए छोड़े। अब बेटी को पढ़ा रही हैं, अभी क्या किस क्लास में है बेटी? 11th class में है, बायो सब्जेक्ट से। अच्छा, 11th में पढ़ रही जी। क्या बनाना चाहती हैं? डॉक्टर बनाना चाहती हूँ उसको। हाँ, बेटी भी कहीं निकलती होगी तो लोग कहते होंगे बेटी से भी आपकी मम्मी ये रिक्शा चला रही है, तो क्या कुछ बेटी क्या सोचती है, बेटी से बात होती है? हाँ, बेटी तो काफ़ी खुश है, उसको हिम्मत मिलती है कि माँ मेरी इतनी हिम्मत कर रही है तो मुझे भी करना है, उसको प्राउड फील होता है, उसको अच्छा लगता है। मेरी मदद करने के लिए कि कुछ इनकम हो, वो स्केच बनाती है, यूट्यूब पे डाल रही है। अच्छा, स्केच बनाती है? हाँ, जो कि उसने कहीं सीखा नहीं है। अच्छा, बिना सीखे बनाती है जी। उसका चैनल का नाम है श्रेया यादव आर्ट। श्रेया यादव आर्ट। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो भी वीडियो देख रहे हैं यदि मेरी मदद करना चाहते हैं तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बस। देख सकते हैं किस तरह से जौनपुर की सड़कों पर एक महिला ई रिक्शा लेकर चलती है और सामाजिक ताने बाना जो है उसको तोड़ते हुए, जो एक रूढ़वादी बना हुआ है समाज में, एक जो एक कल्पना लोग करते हैं कि महिलाएं क्या कर रही हैं। आज दंगल का वो डायलॉग याद आता है कि मारी छोरियां छोरों से कम है क्या, हमारे देश की महिलाएं किसी से कम है क्या, ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चला रही, सही बात है ना जी? देख सकते हैं ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चला रही महिलाएं। आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह की जो महिलाएं ई रिक्शा चला रही हैं सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं इस पुरुष प्रधान देश में, आप क्या सोचते हैं? आप हमें लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा।